नमस्कार, न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां ताजपुर प्रखंड अंतर्गत रहीमाबाद पंचायत स्थित बहादुर नगर में रविवार 28 फरवरी 2021 को खेतिहर ग्रामीण मजदूर सभा के नेतृत्व में जीबी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष प्रभात रंजन गुप्ता ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए खेतिहर ग्रामीण मजदूर सभा के जिलाध्यक्ष उपेंद्र राय ने कहा कि प्रखंड के अंदर मजदूरों से संबंधित सभी योजनाओं पर दलालों और बिचौलियों की मदद से अधिकारियों का ही कब्जा है। दलालों की मदद से सभी योजनाओं में लूट खसोट जारी है, जिसका विरोध करने पर माले व इपवा नेताओं के विरुद्ध लगातार एक साजिश के तहत हमला तथा मुकदमा जारी है। मौके पर नीलम देवी, धर्मेंद्र पासवान, शिव बालक पासवान, रजनी देवी, दिनेश पासवान, शत्रुघ्न पासवान आदि उपस्थित थे। अभी तक के लिए बस इतना ही, कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए न्यूज 20 बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। मजदूर हितैषी को मुख्य मुद्दा बनाते हुए ये बैठक कर रहे हैं। हमारा मांग है कि मजदूरों को नियमित रूप से काम दिया जाए, 500 रुपया मजदूरी दिया जाए। इन सवालों को लेकर 3 मार्च को विधानसभा घेराव उन मद्देनजर रखते हुए ये बैठक किया गया है। गरीब भूमिहीनों के सवाल के लिए जो है सो यहाँ पर संघर्ष चल रहा है। यहाँ पर एक मनोज सिंह है जिनका भारत गैस है, जो बिहार सरकार की जमीन है, जो अंचलाधिकारी ने भी जो है उसको प्रमाणित किया है कि जो है बिहार सरकार की जमीन 18 कट्ठा जमीन जो है जुटे हुए है, और बेमतलब का जो है बल का प्रयोग करके, पैसा का और बाहुबली का प्रयोग कर करके इस 6 लाइन का जो है सो अपने तरफ से कटवा करके, उस तरह से कटवा करके ऐसे गरीब भूमिहीनों के बीच से जो है सो सड़क ले जाने का ये कर रहे हैं। तो इसके लिए पहले भी लड़ाई चल रही थी और भाकपा माले के जनसंगठन से ग्रामस और मंडेगा मजदूर सभा इस लड़ाई को, आंदोलन को अपने हाथ में लेकर के यहाँ पर लड़ाई लड़ेगी।